सलमान की सिकंदर के लिए मंगवाई गई दस हजार गोलियाँ और पिस्टल यहाँ जाने फिल्म के पांच सबसे बड़े अपडेट सलमान खान आखिरी बार नवंबर 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म टाइगर थ्री में दिखे हैं। उसके बाद से उनके तमाम फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है उनकी अगली फिल्म सिकंदर होने वाली है जो ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है एआर आर मुर्गदास के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहुबली में कटप्पा की रोल में नजर आए साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर सत्याराज भी इस फिल्म में विलेन के रोल में दिखने वाले हैं इसी साल अप्रैल में ये फिल्म अनाउंस हुई है अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। भाईजान के चाहने वाले उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो अगर आप भी उन इंतजार करने वालों में शामिल हैं, तो चलिए आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े पांच बड़े अपडेट देते हैं इस फिल्म में सलमान के किरदार के दो पहलू है सूत्र के हवाले ऐसी बताया गया की वो बिजनेस के रोल में दिखेंगे लेकिन दूसरा पहलू ये है की उसका अपना एक पास्ट भी है वो एक समय आरोप दबंग हुआ करता था साल उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म हम जिस तरह अमिताभ के दो रूप दिखे थे कुछ ऐसा ही इस फिल्म में सलमान का रोल होगा ऐसा भी बताया गया कि इस फिल्म में सलमान जो बिजनेसमैन का रोल करने वाले हैं, उसका कनेक्शन उनके असल जिंदगी से होने वाला है कहा जा रहा है कि रियल लाइफ में अपनी कंपनी के जरिए सलमान ने अपनी जिस तरह की इमेज बनाई है उसी को ही पर्दे पर पेश किया जाएगा